झरिया विधायक के खिलाफ भाजपा ने खोला मोर्चा। भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने प्रेस वार्ता कर वर्तमान सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। आज का सच, झारखंड ब्यूरो, विजय सिन्हा। बुधवार को धनबाद झरिया में बिगड़ते विधि व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी महिला नेत्री रागिनी सिंह ने प्रेस वार्ता कर वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही जिले में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह पर जमकर भड़ास निकालते हुए कहा कि 8 जनवरी को वर्तमान झरिया विधायक के देवर एकलव्य सिंह के द्वारा सोनू सिंह को हत्या करने के उद्देश्य से गोली मारी गई थी। नगर निगम में टेंडर डालने पहुंचे बाहर के 3 कंपनियों के प्रतिनिधियों को रघुकुल के गुर्गो के द्वारा बंधक बनाया गया था। यहां तक कि भौरा के एजे महाप्रबंधक पर हमला, सेना के जवान और उनके महिला परिजनों के साथ मारपीट, छेड़खानी रघुकुल के गुर्गों के द्वारा किया गया। साथ ही झरिया क्षेत्र में कोयला लोहा चोरी के साथ साथ पीडीएस के चावलों की कालाबाजारी जारी है। वहीं रागिनी सिंह ने आगे कहा कि जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से पुलिस प्रशासन बिकाऊ हो चुकी है। प्रशासन की मिलीभगत से झरिया समेत पूरे क्षेत्र में कोयला लोहा बालू की लूट हो रही है। आवाज़ उठाने वालों पर रघुकुल के गुर्गों द्वारा जानलेवा हमला होना आम बात हो गई है। भारतीय जनता पार्टी इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। यहां तक कि नामजद प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद आरोपी पर पुलिस प्रशासन का सह रघुकुल को हासिल है। सिंदरी डीएसपी से लेकर झरिया के थानेदार भी झरिया विधायक के इशारे पर काम कर रही है। यदि वर्तमान सरकार इस पर जल्द पहल नहीं करती तो भारतीय जनता पार्टी उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। आज विशेष मुद्दा है, आप लोगों ने देखा है, पिछले कई दिनों से बल्कि 3 सालों से लगातार जनता त्रस्त है। चाहे बिजली पानी का समस्या हो, चाहे बढ़ते हुए अपराध हो, चाहे हत्या हो, चाहे लूटपाट हो, चाहे अवैध खनन हो, या लोहा चोरी हो, या रंगदारी हो, या हमारे महिलाओं के साथ छेड़खानी हो, बलात्कार हो, अपहरण हो, हर मामले में ये अपराध बढ़ते जा रहा है और प्रशासन मौन है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अब बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मुद्दे को लेकर हम लोग एकजुट होकर आज हम लोग धनबाद से लेकर झरिया से लेकर बघमारा से लेकर सभी पदाधिकारीगण यहाँ आए हुए हैं और एक एक कार्यकर्ता का मुंह से यही आवाज हो रहा है कि अब हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जो प्रशासन का रवैया है, जो बढ़ते हुए अपराध है, एक एक क्षेत्र में लोग त्रस्त है, जिसमें सबसे ज्यादा झरिया है। और अगर हम बोलेंगे तो अगर जितना भी अपराध बढ़ रहा है और जिसके संरक्षण में हो रहा है, जब से सत्ता परिवर्तन हुआ तब से लगातार ये अपराध बढ़ रहा है, तो सरकार के माध्यम से और सरकार के लाया हुआ जो बिकाऊ हमारे आज प्रशासन है, खुलेआम मुझे कोई डर नहीं है किसी से, कोई संकोच नहीं है कहने में कि आज सिंदरी डीएसपी बिल्कुल बिकाऊ हो चुका है। अगर अपराध बढ़ रहा है तो उनके संरक्षण में, क्योंकि आज वो सत्ता के दबाव में हर काम वो सिंदरी डीएसपी करता है। और झरिया के एक एक थानेदार बिकाऊ हो चुका है, तो मैं उन लोगों को क्या दोष दूं? सरकार में ही खोट है, सरकार के एक एक जनप्रतिनिधि में खोट है, जो मिली भगत का जो आज सरकार है, जो कांग्रेस की सरकार है, जो कांग्रेस की विधायक और मंत्री है, जो भ्रष्ट हो चुका है, जो जन